लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर एलडीए ने कमर्शियलाइजेशन और नक्शा फीस की मद में अरबों रुपए के खसारे को शहरियों पर डाल दिया है। ये खसारा अब आम से फीसों में इजाफे और भारी जुर्मानों की शक्ल में वसूल किया जाएगा। एलडीए ने मलबा फीस में भी 5 गुना इजाफा कर दिया है। रिहायशी तामीर की मलबा फीस 2 रुपए स्क्वायर फुट से बढ़ाकर 10 रुपए, जबकि कमर्शियल पर 5 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए स्क्वायर फुट कर दी गई है। रिहायशी अपार्टमेंट्स पर भी कमर्शियल फीस लागू कर दी गई है, जिसके लिए नया कमर्शियल टैरिफ जारी कर दिया गया है। एलडीए ने फीसों के साथ साथ जुर्मानों में भी कई गुना इजाफा करके आवाम को लूटने का प्लान बना लिया है। एलडीए ने लाहौर में पानी के नलकों में 25% इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चेयरमैन एलडीए फीसों में इजाफा करवाने में कामयाब हो गया है। एलडीए की हदूद मेट्रोपॉलिटन से लाहौर डिवीजन तक तोसी से महकमा की आमदन और वसूलियों में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। गैर कानूनी रिहायशी और कमर्शियल तमीरात के बायस एलडीए को कमर्शलाइजेशन फीस और नक्शा फीस की मद में अरबों रुपए खसारे का सामना है, जिनके मुकर्रर अहदाफ कई बरसों से पूरे नहीं हो रहे। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम और लैंड सब डिविजन के अहदाफ इसके अलावा है। गैर कानूनी तमीरात से करोड़ों रुपए महाना कमाने वाले अफसरान ने ऐसी सरगर्मियों की रोकथाम और सरकारी खजाने में रकम जमा करवाने की बजाय नक्शा फीस में कई गुना इजाफा करवा कर बोझ शहरियों पर डाल दिया है। एलडीए की तरफ से डिमार्केशन फीस पहली मरतबा 5 रुपए भी वसूल की जाएगी।